सेमीफाइनल में जीत के बाद क्रिकेट फैंस ने दावा किया कि भारत फाइनल में जरूर जीतेगा, पूरा देश यही कह रहा है। इस सेमीफाइनल में इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन जीत पाई और फाइनल्स में अब इंडिया जा चुके हैं, लेकिन ये जो मैच थी बहुत टफ थी, लेकिन इतना मजा आया कि सभी फैंस जो सुबह से वानखेड़े स्टेडियम के बाहर मरीन ड्राइव पे बैठे हुए थे, और ये बहुत ज्यादा उतार आप देख सकते हैं लोगों का, तिरंगे में सजे हुए। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया जीत गई? हमने 2009 का बदला लिया, हम 2009 मैनचेस्टर गए थे, दो दिन गए थे, फिर भी हम हार गए थे, आज उसने बदला लिया और हम फाइनल में हार गए। इससे हमको डर था कि वो कहीं ना हरा दे, दो विकेट जीतने के बाद स्टेबल हो गया था मैच, तो अभी तो हम साउथ अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया किसी को भी हरा सकते हैं। अभी तो कप लेके जाएंगे, कप लेके जाएंगे, कम ऑन इंडिया 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 इंडिया। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे एक सर है वहाँ से, उन्होंने अपने आंखों में तिरंगे का लेंसेज डाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और बहुत ही खूबसूरत है कि तिरंगे को आपने ऊपर से नीचे तक पहना है, इतने आप प्राउड हैं, प्राउड भारतीय हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, आज जो मैच थी बहुत टफ थी और आखिरकार वो जीते हैं इंडिया? हाँ, हम सब मैच देखे, आराम से सब मैच देख लिए। आज हमारा थोड़ा सा दिल बैठ गया था कि अभी क्या होगा पता नहीं, पर हमने सेमीफाइनल जीत लिया और फाइनल का वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे, हम आंखों में है, अब अपने सर पे है, हम वर्ल्ड कप लेके जाएंगे। आज थोड़ा सा डर हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि 200 रन हो गए थे, दो विकेट, बाद में जब शामी आया तो उसने दो विकेट निकाल दिए, तो तभी जी में जान आ गई। यानी कि शामी जो हार्दिक पांड्या के बाद जो आए हैं, उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं मैच को बचा दिया है और तहलका मचा दिया। हाँ, पूरी सात तहलका मचा दिया, उन्होंने निकाल दी सात। शायद शायद वही अच्छा हो, हार्दिक निकल गए, आ गया, इससे वही अच्छा होगा। शामी इंडिया के लिए गॉड गिफ्ट हो गया अचानक से, और हमारी टीम को आखिर तक वर्ल्ड कप लेके ही जाएंगे, कब लेके ही जाएंगे, और इसका इंतजार 19 नवंबर को होगा, क्योंकि उस दिन पता चलेगा कि इंडिया जो है जीती है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से सभी इंडियंस भरोसे में है, पॉजिटिव है कि इंडिया ही जीतेगी, बस इसी का इंतजार है कि इंडिया कप वर्ल्ड कप का जो कप है वो जीती और उठाती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। सेमीफाइनल में शानदार जीत के बाद पूरा देश उत्साहित है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीत पर बधाई दी। एक्सपर्ट उन्होंने लिखा कि टीम इंडिया को बधाई, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और शानदार अंदाज में फाइनल में प्रवेश किया, शानदार बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी के लिए हमारी टीम के लिए मैच पक्का कर दिया, फाइनल के लिए शुभकामनाएं। तो सेमीफाइनल की जीत पर बधाई दी प्रधानमंत्री ने और फाइनल के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शमी को बधाई दी, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सेमीफाइनल में शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की वजह से और भी ये खास हो गया इस खेल में, और विश्व कप के दौरान मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को क्रिकेट प्रेमी आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगे, अच्छा खेले शमी। तो शमी की अलग से तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई संदेश दिया, उन्होंने लिखा ऐतिहासिक विजय न्यूजीलैंड पर, भारत की विराट विजय की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आगे वो लिखते हैं कि शानदार जीत से त्योहारों की बेला को और अधिक उल्लासपूर्ण बनाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी का हृदय तल से अभिनंदन, फाइनल के लिए शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा शाबाश टीम इंडिया, पूरे खेल में टीम वर्क और कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन, विराट अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए बधाई, कप ले आओ लड़कों। तो फाइनल के लिए भी शुभकामनाएं हैं, सेमीफाइनल की जीत पर बधाई है। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा है भारत की जीत पर खुशी उन्होंने जताई, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 रन की शानदार जीत के साथ विश्व कप के फाइनल में पहुंचने पर टीम इंडिया, क्रिकेट प्रेमियों और सभी देशवासियों को बहुत बधाई। आगे वो लिखते हैं विश्व कप की ट्रॉफी बस एक जीत दूर है, रविवार को वो ट्रॉफी हमारी होगी। तो फाइनल के लिए भी शुभकामनाओं का सिलसिला चल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।